lost and found. When thou art now, I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. In joy or pain, come quickly and abide. Our life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. स्वर्गीय पिताजी, ये बात सच है प्रभु, आप हमको चाहिए हर घड़ी, हर समय आप चाहिए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता है, हर वक्त हमारे लिए बहुत आशीष होने वाला वक्त है प्रभु। हमारा जीवन में आपने बहुत मदद किया, हमारा सोच विचार से भी ज्यादा आपने हमको संभाला। अभी भी हम परमेश्वर आपका ऊपर हम विश्वास को रखा है। सच कहेगा, हमारा विश्वास इतना मजबूत नहीं है,
हम बार बार आपका खिलाफ और आपका इच्छा से बार हम काम करता है प्रभु, मगर हमारा हृदय में एक आशा है, हम आपका एक जबरदस्त झुंड बने, आपके इच्छा को हम पूरा करें और आपका जो टोकन को हम लोग पाने का परमेश्वर, ये सब आशा हमारा हृदय में है प्रभु। दुनिया का ये बहुत भयंकर स्थिति, बहुत भयंकर तरीके से दुनिया का हर चीज होते जाता है प्रभु। दुनिया में पाप इतना बढ़ गया, दुनिया में पाप का इतना बड़ा एक मीनार हो गया, मगर परमेश्वर आपने हमारे लिए एक अच्छा मीनार को दिखाया, अच्छा सीढ़ी को आपने हमको दिखाया, ताकि हम वो सीढ़ी को देखते रहे, सीढ़ी का ऊपर से आपका दूत लोग ऊपर से नीचे आना, और ऐसी रेवलेशन हमको आपने दिया ताकि हम इस समय पर बहुत शक्ति और सामर्थ्य को पाते हुए हम इस दुनिया को सामना कर सके। धन्यवाद प्रभु, सभी चीजों से आपने हमको छुड़ाया। अभी भी हम प्रार्थना करता है, हमारा जीवन को हम आपका हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, आप हमको चलाना, आप हमको जीवन को देते हुए आगे लेकर जाना। धन्यवाद प्रभु, जो भी भाई और बहन इस समाचार को ऑनलाइन के द्वारा सुनता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को आप अपना नियंत्रण में रख लेना प्रभु, और यूट्यूब और MP3 सबको आप संभालते रहना, ताकि ये मैसेज नष्ट ना हो जाने, क्योंकि ये मैसेज आप ही का है प्रभु, आप इस मैसेज को हमको देता है ताकि हम आपका प्रेम को बढ़ते बढ़ते आपका ऊपर का प्रेम से बढ़ते बढ़ते जाए। धन्यवाद प्रभु, ये सेवक आई, ये सब कुछ मैं आपका हाथ में देता है प्रभु, आपका दास को भी आपका हाथ में देता है, और खास करके मेक्सिको का संत लोगों के लिए, और नाइजीरिया, जाम्बिया, केन्या और अलग अलग जगह पर आपका लोग इस समाचार के लिए इकट्ठा हो गया प्रभु, सभी को आप आशीष देना परमेश्वर। सातान का हर चालकी को आपने हरा दिया, इवन प्रभु हमारा खिलाफ, हमारे इस सेवकाई के विरुद्ध उठा हुआ हर एक प्राण को आप देखो प्रभु, क्योंकि परमेश्वर वो लोग हमारे विरुद्ध नहीं है, आपका विरुद्ध है प्रभु, आपका विरुद्ध है प्रभु, आपका इच्छा का विरुद्ध है, आपका योजना का विरुद्ध है, आपका दास का मैसेज का विरुद्ध है प्रभु। इसलिए आपने आपके वचन में स्पष्ट कहा, बदला आप मत ले, वो बदला मेरा है। इसलिए प्रभु सब कुछ हम आपको सौंप देता है इस वक्त में, हम यही प्रार्थना करता है, अगर हमारा विरुद्ध, हमारा ये सभा का विरुद्ध, सेवकाई के विरुद्ध कोई भी उठे प्रभु, हम आपका हाथ में सौंप देता है, क्योंकि वो हमारा दुष्टों के, आप वचन में बोला, आपने मूसा को बोला, मूसा वो तुम्हारा बात नहीं, मेरा विरुद्ध करके बोला प्रभु, इसलिए ये लोग आपका विरुद्ध है प्रभु। धन्यवाद, हमको आपने सुरक्षित रूप से रखा, हमको आपने संभाला, हम कोई भी हालत में आपको छोड़ के जाने के जैसा नहीं कर दिया, बहुत तूफान उठा, बहुत हमारा इज्जत निकल गया, बहुत हमारा जीवन में हम दुखित हो गया, बहुत बार हम लोग सोचा हमको कोई भी नहीं है, ऐसी तूफान हमारे जीवन में आ गया, मगर कुछ भी हमको बिगाड़ा नहीं, क्योंकि आप हमारा साथ खड़ा हो गया, और बढ़िया बात जो है, आपने हर मामले में हर बातों से हमको विजय प्राप्त करके दिया। इसलिए प्रभु हम आपको अभी भी धन्यवाद बोलता है, अभी भी जो भी हमारा बीच में है प्रभु, उनको भी आप संभालो, कोई भी अपना जीवन में आपका विरुद्ध ना आने दे। धन्यवाद प्रभु,
ये सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुना और कबूल करना, आमीन। जैसे आप लोग खड़ा है, खोलिए मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24 से लेके पढ़ेंगे। Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended, and the rain descended, and floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and bent upon the house, and it fell, and great was the fall of it. परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद दे। और एक बार हम परमेश्वर का वचन और प्रकाशन को प्रकाशन के पास आया है। काफी आनंद हमारे जीवन में आ गया। कोई भी ऐसी नहीं बोल सकता है, ये मैसेज को सुनने के बाद ऐसी उजाला हमको मिला और हम इसको खोना नहीं चाहते है। जो जो व्यक्ति ये उजाला ये मैसेज को खोना चाहता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। क्योंकि इधर वचन में ऐसे कहता है, जो बुद्धिमान बोलेगा वो जो मिला हुआ प्रकाशन को, मिला हुआ रेवलेशन को वो अपना पास रखेगा और उसी के ऊपर अपने जीवन को बांधेगा वो। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। और प्रभु को हम अभी भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत आशीष को देखा। सबसे बड़ा आशीष हमारे जीवन में हमको प्रभु दिया, उनका प्रकाशन। ओएस, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। मैंने वही मैसेज को मैंने आगे लेकर जाता है, जो मैसेज है एज ऑफ द सुपर एनॉइंटिंग। ओएस, महान अभिषेक का युग, और उसके लिए सबटाइटल में दिया है बिल्डिंग द हाउस। हाँ, घर को बांधना, बिल्डिंग द हाउस। अभी ये हाउस जो है, ये घर जो है, ये परमेश्वर रहने वाला घर है। आप और मैं रहने वाला घर नहीं है, परमेश्वर खुद ये घर के अंदर रहना चाहता है। वही बहुत लोग प्रभु के लिए घर बांधने का सोचा, इवन दाऊद भी सोचा, और दाऊद को भी प्रभु छोड़ा नहीं, और दाऊद को प्रभु ने बहुत बड़ा रेवलेशन को दिया, तेरा हाथ में नहीं हुई तेरा बेटा, क्योंकि उनका लाइन में आने वाला बेटा वो, ये हमको मालूम है वो कौन है, वो मेरे लिए घर बनाएगा बोला। और हमको मालूम है वो आने के बाद हमको घर बनाने का पूरा तरीका सिखाया, कैसा घर बनाने का है। और उसके लिए उन्होंने प्रश्न भी पूछा, कौन बोलेगा मेरे को बेखौने करके, वैस कौन बोलेगा मनुष्य पुत्र को खौने। मगर पत्रुस ने बोला, आप जो है मसी है, परमेश्वर का बेटा है। तभी प्रभु ने बोला, रक्त और मांस ये बातों को तेरे को नहीं बताया, मगर मेरा पिता जो है स्वर्ग में वो तेरे को इन बातों को बताया। और इस चट्टान के ऊपर, इस रेवलेशन चट्टान रॉक, अभी इधर भी हम पढ़ा पत्थर के ऊपर घर बांधना, इस पत्थर के ऊपर मैंने मेरा घर को बांधेगा, मेरा कलीसिया बोलेगा तो वो घर है उसका, और कोई भी ताकत सातान का ताकत उसको हरा नहीं सकता है। वो यस, आज इतना गड़बड़ी, इतना गड़बड़ी आज होने के लिए कारण क्या है,
मेरे प्यारे भाई भी ये बारिश जो है ये आकाश से उतरने वाला बारिश, ये बारिश जो है आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, ये बारिश जो है पवित्रात्मा का बपतिस्मा हम बोल सकते हैं टोकन। और ये टोकन आने पर जो पत्थर के ऊपर जो घर बांधा हुआ है वो घर गिरेगा नहीं, वो घर जबरदस्त खड़ा रहेगा, क्योंकि वो घर के अंदर परमेश्वर कितना भी आत्मा का फ्लड आने दो वो घर खड़ा रहेगा, क्योंकि वो जबरदस्त घर है। परमेश्वर उस घर को ऐसा रखेगा, मगर जो रेती के ऊपर बांधा हुआ घर वो गिर जाएगा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ये लोग मेरा प्यारा भाई बहनों, लोगों का एक स्टाइल में बताना चाहता हूँ लोगों को क्या है। मेरे को भाई ब्रानम का मैसेज मिला, भाई इलामट का भी मैसेज मिला, कैसे भी मिला, और मैंने थोड़ा वो का मैसेज के लिए थोड़ा काम भी किया, सब कुछ मैंने किया। वैसे ये परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, इसमें आपका जो घर बांधना काम नहीं होता है। वैस मेरा प्यारा भाई बहनों, मैसेज मिलने से, मैसेज हमारे पास रहने से, मैसेज के ऊपर से मैसेज होने से आप एक आत्मिक प्रकाशन को पाया करके मालूम नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा हम देखता है वैस, मगर इधर स्पष्ट बात बाइबल के अंदर लिखा है जो घर को पत्थर के ऊपर बांधा है वैस। अगर पत्थर बोलेगा, पत्थर जो है रेवलेशन है, प्रकाशन है। वैस मैंने एक बात बोलना चाहता हूं, आप आदम से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशन का किताब का हर एक नबी को आप विश्वास करता है करके बोलेगा, हर एक नबी का जो मैसेज को आप पढ़ेगा, मगर आपको अगर प्रकाशन नहीं है आप कुछ भी नहीं है, परमेश्वर आपको सोचेगा नहीं आपका बारे में। वैस आप कितना भी शुद्ध हो जाओ, कितना भी आप बोलो मैंने बहुत शुद्ध आदमी है और मैंने पाप नहीं करता हूँ, लोग इसी में अपना जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, और बहुत लोग ये शुद्ध को देखता है वैस, उन्होंने ऐसी पाप में गिरा, मैंने बहुत अच्छा है, मेरा विश्वास सब निकल गया। मेरा प्यार भाई बहनों, मनुष्य को देख के आप अगर किसी का विश्वास जाता है वो पहले से उनका जो विश्वास मनुष्य के ऊपर का विश्वास है। हाँ हाँ, अगर मनुष्य को देखते हो, अभी मूसा का समय से देखो, अगर मूसा को देखे तो मूसा का सब बात शादी से लेकर सब कुछ उनका बराबर नहीं था। हाँ, मूसा मर्डर भी किया और बाहर से जाके एक निग्रो औरत को शादी भी किया, ये सब उसका जीवन का गड़बड़ी है, मगर उसी मूसा को परमेश्वर ने एक जबरदस्त मैसेज को दिया और वो मैसेज के द्वारा परमेश्वर उसको चलाया। वैस मूसा का वो सब कोई बातों को कोई भी देखा नहीं, मगर मेरे प्यारे मेरे बहनों, अभी लोगों का क्या बात है, लोग क्या देखते हैं, आप क्या है, मैं क्या है, मेरा ऊपर आपके ऊपर देखते हुए हमारा बारे में वो बात करने को शुरू करते हैं, ये लोगों को रेवलेशन नहीं है। परमेश्वर देखता है मेरे को और आपको क्या रेवलेशन मिला। खाली भाई ब्रैनम को नबी बोलना वो रेवलेशन नहीं है, ना भाई लामट को नबी बोलना और भाई ब्रैनम के बाद लामट आए, ये इतना बोलने से आपका काम नहीं हो गया। वैस अभी तभी आपको ये प्रकाशन मिलता है। प्रकाशन बोलेगा तो क्या है, प्रकाशन बोलेगा मेरा प्यारा भाई बहनों, एक मनुष्य को प्रकाशन मिलेगा वो कभी भी खुशी में रहता है, उसका कौन सा भी स्थिति को नहीं देखता है, कोई व्यक्ति को पर उसका अंक नहीं रहता है, कोई मनुष्य को नहीं देखता है, वो परमेश्वर को देखता है और परमेश्वर के लिए वो जीने को शुरू करता है और प्रभु के ऊपर उसको बहुत प्रेम रहता है, क्योंकि मेरा प्यारा भाई बहनों प्रकाशन ऐसा रहता है, प्रकाशन एक अलग बात है, रेवलेशन अगर बोलेगा वो अलग चीज है। ये रेवलेशन आपके लिए घर बांधने के लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। Amen. Amen. Yes,
अभी आप थोड़ा आत्मिक होएगा तो जरा सोचो, अगर आत्मिक नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप ये मैसेज को सुनने के समय में अगर आप आत्मिक है आपको बहुत अच्छा है, मगर आप आत्मिक नहीं है प्रार्थना में नहीं आपको ये बात नहीं समझेगा। अगर कोई भी घर बांधने वाला पहला फाउंडेशन को डालता है, फाउंडेशन बराबर नहीं है वो उसके ऊपर घर खड़ा नहीं हो सकता है। आप कितना भी आपका मन के अंदर आशा हो सकता है बहुत अच्छा घर बांधने का, आप एक सोचता है आत्मिक में भी ऐसे हम सोचते हैं हमेशा हम कैसा होने का, परमेश्वर को कैसा प्यार करने का, रैप्चर में कैसा जाने का, कैसा परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने, ये सब हमारा सोच विचार है, हम उसके लिए सोचते हैं। हर एक ये ऑनलाइन में सुनने वाला, MP3 सुनने वाला और यूट्यूब देखने वाला, हमारे अंदर एक सोच रहता है ये, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो ऐसा होने के लिए। मगर आप सोचते हो ठीक है, मगर आप अगर आपका आत्मिक घर को बांधने को शुरू करेगा, अगर आपका नेव बोलता है, नेव बोलेगा तो अस्तिवा जो नेव है जो फाउंडेशन है अगर वो बराबर नहीं है आप उसके ऊपर घर को बांध नहीं सकते। ओ यस, ये फाउंडेशन ठीक होना वैस, और उसके ऊपर आप घर बन घर कौन है, हम ही घर है, हम ही वो घर है, हम ही वो घर है वो, मगर वो घर ऐसी फाउंडेशन के ऊपर बांधना चाहिए जो फाउंडेशन जबरदस्त होना चाहिए वैस। मगर मेरे को और आपको सबको मालूम है वो फाउंडेशन क्या है, वो फाउंडेशन फेथ है, फेथ विश्वास, फेथ रेवलेशन, वो फाउंडेशन है। यस, अगर अगर वो रेवलेशन फाउंडेशन है, क्या रेवलेशन है, विलियम ब्रैनम नबी बोलने वाला वो रेवलेशन है, विलियम ब्रैनम का मैसेज सही है उसमें कोई भी गलत नहीं वो रेवलेशन है, विलियम ब्रैनम का कोटेशन को देना, कोटेशन को बहुत मालूम होना, विलियम ब्रैनम का चर्च ऑर्डर को मालूम होना, विलियम ब्रैनम का सर्प के बीज को मालूम होना, विलियम ब्रैनम जो बोला एक ही परमेश्वर है उसके बारे में वन गॉड गॉड हेड उसको जानना, हाँ सर्प के बीज और मैरिज एंड डाइवर्स और बाकी सारा विषय को मालूम होना, ये रेवलेशन है, ये आपका फाउंडेशन है। एलाइजा मलाकी 4:5 एलाइजा करके बोलना ये फाउंडेशन है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आप लोगों को, मेरे को कैसे भी आप जवाब दे, ये फाउंडेशन है। भाई ब्रैनम हमारा नबी है, भाई ब्रैनम के अलावा कोई भी नहीं है, भाई ब्रैनम गिलारी को बनाया, भाई ब्रैनम चंगाई को किया, भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री बहुत बढ़िया है, ये जो है हमारा रेवलेशन, ये जो है मेरा और आपका आपका ये फाउंडेशन, मेरे को बताइए। भाई ब्रैनम खुद बोलता है मेरा इस दुनिया में आना, मेरे को परमेश्वर ये पृथ्वी में भेजा हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का सामर्थ्यमान घर बनाने के लिए करके वो बोला, ये मेरा कमीशन है करके वो बोला भाई ब्रैनम। ओएस, भाई ब्रैनम का हर एक कोटेशन को बताना और बहुत बड़ा प्रचारक बनना, ये इतना सारा प्रचारक लोग है आपको मालूम है, ये लोग बिना फाउंडेशन में नाच रहा है, वो बिना फाउंडेशन में नाच रहा है, बिना फाउंडेशन में वो लोग यूट्यूब को बना दिया, बिना फाउंडेशन से ये लोग प्रचार करता है, किसी को भी फाउंडेशन नहीं है, कोई भी फाउंडेशन में खड़ा नहीं है। मगर भाई ब्रैनम एक बात बोला, वैस मैंने जबरदस्त फाउंडेशन को डाला बोला, मैंने नेक्स्ट आने वाला सेवक के लिए एक जबरदस्त मजबूत फाउंडेशन को डाला, मेरा काम हो गया बोला वैस। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे को बताइए, भाई ब्रैनम को नबी बोलना और रैप्चर में जाने के लिए तैयार होना और रैप्चर का मैसेज मिला करके बोलना, ये सब रेवलेशन है आपको? हाँ, इधर सुनो,
यीशु मसीह कभी भी ऐसी चीजों को पर अपना बिल्डिंग को नहीं बांधना। यीशु मसीह के पास वैसी लोग था, वो लोग सबको पहचानता था, जेरेमिया को भी पहचाना, एलिय्याह को भी पहचाना, सबको पहचाना, जॉन द बैप्टिस्ट को भी पहचाना, सभी नबी लोगों का नाम बोला, दस आज्ञा को भी बताया, मूसा का नियम को बताया। हाँ, मूसा का नियम से लेकर यीशु मसीह तक वो लोग नबी लोगों का नाम लेके बोला। क्या यीशु मसीह उसी समय में अरे मैं इसके ऊपर घर बांधने के करके बोला, बताइए मेरे को, कितना ये कितना महान चीज है, ये कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, कितना शुद्ध लोग आके उसके सामने खड़ा था, कितना होली लोग आके इसके सामने खड़ा था। क्या वो घर को बांधा उसके ऊपर, वो लोगों का होलीनेस को देख के वो बिल्डिंग बांधने को शुरू किया, वो लोग का नम्रता को देख के वो बिल्डिंग बांधने को शुरू किया, नहीं किया। फिर आप और मैं क्या इधर देखने का है, कहां से वो शुरू किया बिल्डिंग बांधने के लिए, बताओ। यीशु मसीह का बाइबल के अंदर से मैं आपको दिखाता है, यीशु मसीह बिल्डिंग बांधने के लिए, अपना घर को बांधने के लिए कहां से वो शुरू किया। तब तक पत्रुस को उस घड़ी का प्रकाशन को नहीं मिला, उस घड़ी का प्रकाशन, उस घड़ी का मैसेज का प्रकाशन। यस, वो बिल्डिंग बांधने का शुरू नहीं किया। पत्रुस जो है वैसी एक भाई था, व्यक्ति था, उनका पास डिवाइन रेवलेशन मिला। डिवाइन बोलेगा तो दैविक प्रकाशन मिला, दैविक बोल सकता है। डिवाइन बोलेगा तो इधर मनुष्य नहीं आता है, ना कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं आता है, वो बताया ये बताया ये सिखाया वो सिखाया बिल्कुल नहीं है, वो पास्टर ये पास्टर भी नहीं आता है और डीकन भी नहीं, कोई भी नहीं आता इधर। ये डिवाइन बोलेगा तो वो इस दैविक प्रकाशन है, वो इस डायरेक्ट प्रभु से आने वाला प्रकाशन है। डायरेक्ट प्रभु आके बताना चाहिए, ये जो है तेरा सामने, जो तू फटने वाला, तू सुनने वाला, ये जो रेवलेशन, ये जो मैसेज है, ये मसीह का है, ये मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा है। नबी का भाती नहीं, इधर जीवित परमेश्वर का बेटा है। ये प्रकाशन जो है जीवित परमेश्वर का बेटा है, ये मसीह है, ये क्राइस्ट है, ये अनॉइंटेड वन है, अभिषिक्त हुआ आदमी है, अभिषिक्त है, अनॉइंटेड है। तब मसीह मुंह खोल के बोला, तभी प्रभु मां मुंह खोल के बोला, इस चट्टान को पर, यही रेवलेशन के ऊपर मैं मेरा घर को बांधेगा। कलीसिया घर सब एक ही है वो, और कोई भी ताकत इनको हरा नहीं सकता है। वयस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आप कितना भी निष्कपट हो जाओ, कितना भी होलीनेस में डूबो, आप डूबो होलीनेस लेके डूबो, डाल्टन ब्रूस के साथ डूबो, डाल्टन ब्रूस होलीनेस को लेके डूबा, ऐसे आप भी डूबो उसके साथ। हाँ, डाल्टन ब्रूस का गला को पकड़ के रस्सी में बांध के दोनों भी डूबो। प्रभु क्या नहीं करेगा इसे सब चीजों को, कितना भी आप निष्कपट है, तब तक आप परमेश्वर का वचन को गहराई तक आप नहीं जाएगा। बराबर सुनो, तब तक आपको दैविक प्रकाशन नहीं मिला। अरे दैविक बोलेंगे तो क्या है ब्रदर वाटसन, दैविक बोलेंगे तो कोई भी आपको बताएगा नहीं, ना मैं, ना कोई भी डीकन, ना कोई भी ट्रस्टी, कोई भी बिशप आपको बताएगा नहीं, कोई भी नहीं बताएगा। अलौकिक रूप से वॉइस डिवाइन क्या दैविक रूप से आपको आके स्ट्राइक करता है,
वॉइस, आपको एक एक तरीके का अलौकिक आवाज आपको सुनने को मिलता है, अलौकिक आवाज, जैसा पत्रुस को ऐसा मिला सुनने के लिए अलौकिक आवाज। वो बोला ये जो कोई भी नहीं है मसीह बोला वो। तभी पत्रुस का विश्वास बढ़ गया, तभी पत्रुस विश्वास में बढ़ गया, तभी पत्रुस इधर उधर नहीं देखा, तभी पत्रुस के अंदर कोई भी प्रश्न नहीं था, प्रश्न पूरा निकल गया। पत्रुस मुंह खोल के बोला, उनको रेवलेशन मिलना भी, प्रभु उसके पास पूछना भी, दोनों एक ही साथ हो गया। प्रश्न पूछना और जवाब देना एक ही हिसाब से हो गया, जैसा प्रश्न पूछा वैसा जवाब भी हो गया उधर प्रभु का सामने। और पत्रुस ने बोला, तू जो है मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा है। क्या पत्रुस बोला? तू जो है भाई लामत है, तू जो है भाई ब्रैनम है, जीवित परमेश्वर का बेटा करके बोला? नहीं। क्या पत्रुस क्या बोला? तू जो है यीशु है? नहीं। फिर क्या बोला? तू जो है क्राइस्ट है, एनॉइंटेड वन है, अभिषेक हुआ है, इस घड़ी का अभिषेक है, इस घड़ी का सुपर एनॉइंटिंग है, इस घड़ी का टॉप एनॉइंटिंग है, इस घड़ी का सुपर नेचुरल एनॉइंटिंग है, इस घड़ी का टॉप एनॉइंटिंग है। आमेन, आमेन। इस घड़ी का लोगोस है, इस घड़ी का लोगोस है, इस घड़ी का सुपर एनॉइंटिंग है, इस घड़ी का सुपर मैसेज है। क्या जॉन द बैप्टिस्ट का नाम बोला? वो जॉन द बैप्टिस्ट का नाम बोला? एलिजा का नाम बोला? एलिजा कभी आने के करके पूछा वो? हाँ बताओ मेरे को। जॉन द बैप्टिस्ट जंगल में रो जा रहा था करके बोला? बताओ मेरे को, जवाब दे आज। आप लोग अगर जवाब नहीं, आप लोग ऑनलाइन सुनकर सुनने का कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, इसलिए ये सब लपड़ा होता है, इसलिए ये लोग मिनिस्ट्री छोड़ के भागता है, क्योंकि रेवलेशन ही नहीं है। इसलिए ये लोग के जीवन में गड़बड़ है, इसलिए ये लोग दूसरे को देख के क्या क्या मौकरी करता है। हाँ, मेरा जैसा सेवक का विरुद्ध बात करता है। अभी क्यों ये लोग को फेलोशिप नहीं है? ये लोग अभी फेलोशिप में क्यों नहीं है? क्यों ये लोग इधर दांत दिखाता था, हर फेलोशिप में दांत दिखाता था, ऐसी ड्रामा करता था, हाथ उठा के ऐसी ड्रामा में रहता था। हा? उंगली उंगली मेरा प्यारे मेरे बहनों, उंगली ये यही ऑर्गन के ऊपर नहीं जाता था उंगली। क्यों प्रभु ने ऐसी मारा ऐसी लोगों को? अभी देखो हमारा भाई मिनिन कैसा वो ऑर्गन को बजाता है, कैसा वो ऑर्गन में प्ले करता है वो। अभी देखो आंखें आप लोगों को, आंखें करके बोलो मेरे को, कैसा इधर ये ऑर्गन था पहले, कैसा ये ऑर्गन वेस्ट होता था, अभी कैसा वो बजा होता बजाता था वो। हाँ, क्यों नहीं बजा है उस समय में? क्यों नहीं वो ऑर्गन नहीं बजा सकती थी? हाँ, बड़ा बड़ा बात करता है, बड़ा बड़ा बात करती है, और ऐसी लोगों के साथ कोई फेलोशिप करता है वो भी अंधा है, वो भी सोता भी है। ऐसी व्यक्ति का ऐसी लोगों के साथ फेलोशिप करने वाला भी अंधा है। कितना बार मैंने बोला अभी कैसा ऑर्गन कितना ब्यूटीफुल बजाता है ब्रदर मिनिन। कितना साल का ट्रेनिंग में गया वो, किधर ट्रेनिंग में गया, क्यों ऐसा बजाता है? परमेश्वर उसको ऐसी बना दिया, परमेश्वर उसका जीवन को स्पर्श किया, परमेश्वर उसका जीवन में काम किया। मैं उनका तारीफ नहीं करता है। रो रो के वो इधर बैठा है ये मैसेज के लिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। मेरे प्यारे प्यारे बहन, क्यों ये रेवलेशन है? क्या पीटर क्या बोला? Thou art the Christ, अरे वो कुछ भी नहीं बोला,
तू एक फिलिस्तीनियन है, तू एक यीशु का यीशु बोलने वाले एक नबी है, कुछ भी नहीं उसका मुंह से नहीं आया। वो डायरेक्ट बोला, यू आर द ग्रेट अनॉइंटिंग, यू आर द ग्रेट सुपर अनॉइंटिंग, यू आर द ग्रेट अभिषेक हुआ आदमी माय। और ये जो मैसेज है अनॉइंटेड मैसेज है, सेवन थंडर है, सात गर्जना, सातवां मोहरा खुलासा होना। क्या भाई लैम्बर्ट बोलने से आपका काम हो गया ना, भाई ब्रैनम बोलने से आपका काम हो गया? नहीं हो गया। वैस तब तक परमेश्वर ये बिल्डिंग बांधा नहीं। तभी तभी प्रभु ने सोचा ये जो है सही रेवलेशन है, सही प्रकाशन है। ये प्रकाशन में कुछ भी नहीं है, मनुष्य का नहीं है, क्योंकि मेरे फैर भर बहनो, अगर जो प्रभु स्वर्ग से उतर के आया वही स्वर्ग से वो रेवलेशन आपको मिलना चाहिए। जिधर से प्रभु आ गया उस उधर से रेवलेशन निकलना चाहिए। वही परमेश्वर, वही पिता है। कैन यू से मैन वैस तब तक वो नहीं आता है, ये नेव बांध नहीं सकता है, नेव फाउंडेशन बांध नहीं सकते। वो जो है सच्चा फाउंडेशन है विश्वास है, फेथ है, फेथ रेवलेशन, फेथ बोलेगा तो रेवलेशन। वैस और कोई भी रास्ता नहीं है। वैस आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी किताब पढ़ो और फेसबुक में कोटेशन डालो, फेसबुक में और व्हाट्सएप में और लोगों को कोटेशन को भेजते रहे, वो कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर उन सब बातों को नहीं देखता है, परमेश्वर आपका अंदर जो मिला हुआ रेवलेशन को देखता है। वो फाउंडेशन है, वो परमेश्वर के लिए फाउंडेशन है। तभी आपको मालूम पड़ा नेव आपको मिला दिखने को, फाउंडेशन जो फेथ, जो विश्वास, जो रेवलेशन। और पत्रुस को मिला क्या है, वो फेथ है। तभी यीशु मसीह उसी के ऊपर अपना बिल्डिंग बांधने को शुरू किया। वो यस उसी के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं है। आप सोचो मत मैं बहुत शुद्ध हो के आता है, हाँ मेरा हाथ पैर को बहुत बराबर क्लीन करता है, मेरा अंदर भी शुद्ध करते हैं, मैं किसी को भी गाली नहीं देगा। हाँ आप गाली दे, गाली मत दे, वो बात ही नहीं है इधर। आप गाली देने वाला बनो, गाली नहीं देने वाला बनो, आप व्यभिचार के अंदर एक समुद्र में जाके डूबो, व्यभिचार करते रहे वो, हाँ कोई भी बात नहीं आता है, तब तक आपको ये रेवलेशन नहीं मिलेगा। आप कितना भी अच्छा रहे हो, कितना भी बुरा रहे हो, मतलब ही नहीं है इधर। हाँ अगर आप बोलेंगे मैं बहुत अच्छा है, मतलब ही नहीं है। और बहुत गहराई में आप डूब गया, आप 10-15 औरत लोगों को पकड़ के डूबा, कुछ भी फायदा नहीं है। तब तब आपको ये प्रकाशन नहीं मिला। परमेश्वर आपको बिल्कुल नहीं देखता है, परमेश्वर आपको ऊपर बिल्डिंग, आप कितना अच्छा है, आप कितना होलीनेस में खड़ा है। ओ यस आप बोलेगा मेरे घर के अंदर टेलीविजन नहीं है, वो सब उसको ख्याल नहीं है। अगर टेलीविजन होने दो, नहीं होने दो, अगर आपके अंदर रेवलेशन है तो क्या फायदा है? बिना रेवलेशन से आप टेलीविजन को उठा के फेंकेगे तो कोई फायदा नहीं है। बिना रेवलेशन से आप दाढ़ी निकालो, मूंछी निकालो और सर को टकला बना दो, कुछ भी फायदा नहीं है। आखिरी में जो है रेवलेशन है, प्रकाशन है, जो भी वो भी कैसे है? जैसा पत्रुस को मिला उसी तरीके में। पत्रुस किसी का भी नाम नहीं बोला, पत्रुस जरा उसका पहले बहुत नामों को हम सुना, उसका पहले आप देखो बराबर आ, वो दृश्य को, वो पिक्चर को इधर ला के रखो आप। उसका पहले बहुत नबी लोगों का नाम सुना, एलाइजा है, जेरेमिया है, एजिकेला है और जोशुआ है, वो है, ये है, बहुत कुछ बोला। यीशु मसीह क्या बोला? सुम खड़ा हो गया। हाँ वैस क्योंकि हर नबी लोगों का समान सब वो लोग करता था, हर नबी लोगों के लिए तुलन करता था। मगर पत्रुस ऐसा नहीं किया, पत्रुस कोई नबी का नाम नहीं लिया, ना जॉन द बैप्टिस्ट का भी नाम नहीं लिया, हालांकि ले सकता था, जॉन द बैप्टिस्ट नहीं लिया। वो खाली डायरेक्ट बोला यू आर द क्राइस्ट, तू जो है मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा है। Amen, amen.
कैन यू से मैन कल एक आंध्र का भी एक व्यक्ति है अब्राहम लिंकन करके अब्राहम लिंकन मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा ब्रैनम एक मसीह है आज हमारे क्रिसमस दिन है करके भेजा मैंने उसको जवाब दिया तू जो है सातान है तू जो है नंबर वन सातान है तू जो है विद्रोह विधर्मिया है क्योंकि तेरे को अभी तक तेरे को अकल नहीं खुला खाली ब्रैनम को मसीह बोलते हो अकल है क्या और ब्रैनम के कोटेशन को उनको भेजा जिधर ब्रैनम ब्रदर ब्रैनम बोलता है आई एम नॉट द क्राइस्ट आई एम नॉट द क्राइस्ट मैंने जो मसीह नहीं है वो यस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे ऐसी लोगों को हम देख सकते हैं अभी कैन यू से मैन वो यस रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड हाँ बहुत कुछ नामों को बोला वो लोग मगर पत्रुस ऐसे नहीं बोला हो सकते आप एलिय्याह है हो सकते आप जेरेमिया है ऐसा नहीं बोला वो डायरेक्ट बोल दिया कौन बोलते ऐसे डायरेक्ट अगर उसको मालूम नहीं तो कैसा बोलेगा वो कौन बताया यीशु मसीह क्या बोला रक्त और मांस तेरे को नहीं बताया बोलेगा तो कोई मनुष्य नहीं बताया रक्त और मांस होने वाला कोई भी तेरे को नहीं बताया मगर मेरा पिता स्वर्ग में वो बताया बोला क्योंकि जो पिता स्वर्ग से आया वो स्वर्ग से उसको वो रेवलेशन आके स्ट्राइक हो गया वो यस और इस चट्टान के ऊपर मैं मेरा घर को बांधेगा और नरक का कोई भी ताकत उसको हराएगा नहीं और इधर देखो भाई ब्रैनम क्या बोलता है भाई लैम्बर्ट का मैसेज में मैं पढ़ के बताता हूँ ब्रदर ब्रैनम सेड भाई ब्रैनम क्या बोला जीसस डिड नॉट सेंड मी टू बिल्ड द डिनोमिनेशन वैस यीशु मसीह मेरे को संस्था को बांधने के लिए नहीं भेजा जीसस सेंड मी टू बिल्ड द इंडिविजुअल्स यीशु मसीह ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से वैस व्यक्ति इधर सुनो जीसस सेंड मी टू बिल्ड इंडिविजुअल्स टू द प्लेस व्यक्ति 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 का तरफ व्यक्ति 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 का रूप से वैस वेयर दे माइट बी ड्वेलिंग प्लेस ताकि वो लोग व्यक्ति व्यक्ति लोग हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए एक जगह हो जाए परमेश्वर के लिए एक जगह हो जाए और एक बार बोलता है ऑलराइट परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए एक घर हो जाए सामर्थ्यमान घर बनाने के लिए मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा बोला आमेन जबरदस्त बात है भाई ब्रैनम जबरदस्त बात बोले इन बातों को भाई लैम्बर्ट लेके इधर डाल दिया वैस भाई लैम्बर्ट के लिए प्रभु को धन्यवाद दे जबरदस्त बातों को इधर डाल दिया ऑलराइट हाँ क्या हमको खुशी है ये इसलिए इन बातों को सुनने वाला ये बातों को सुनने वाला और उसके लिए आज्ञाकारी बनने वाला खाली सुनने के नहीं आज्ञाकारी बनने के खाली आप मैसेज सुनते हुए अपना जिंदगी को बिताने से कुछ भी फायदा नहीं है ये सुसमाचार को सुनते हुए और उसका आज्ञाकारी बनने से आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है खाली सुनने वाला नहीं मगर उसको समझना और तभी आप परमेश्वर के सामने नीतिमान बनेगा वो यस इसलिए वी गॉट टू हैव द रेवलेशन खाली भाई ब्रैनम का कुछ मैसेज का जानकारी भाई ब्रैनम का जो मैसेज का यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सर्प का बीज हवा ने सेक्स किया उधर ये सब बोलने को आपको मालूम है अच्छा तरीके से बोलते हो अच्छा तरीके से मैसेज प्रचार करते हो और इधर उधर खुदी मारते हो बंदर का सामान और यूट्यूब में बहुत बहुत फैशनेबल बात करते हो बहुत अच्छा इंग्लिश को यूज करते हो बहुत अच्छा इंग्लिश भाषा से बात करते हो वैसे लोग सोचना चाहिए आपको बहुत बड़ा रेवलेशन बिल्कुल रेवलेशन नहीं है वो आपका बुद्धि आपके ज्ञान से आप बात करते हो वैस आपका बुद्धि आपका ज्ञान उससे बात करते हो आप मगर रेवलेशन नहीं है वो प्रकाशन नहीं है प्रकाशन अलग है बुद्धि और ज्ञान अलग है वैस कैन यू से आमेन वैस हाँ इसलिए वो रेवलेशन है सॉलिड रॉक है जबरदस्त एक पत्थर है वैस वो पत्थर क्या है रॉक ऑफ रेवलेशन प्रकाशन का जो पत्थर है उसी के ऊपर घर बांधने को शुरू होता है
ऑल राइट, और परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी बनना और उसको सुनना और आज्ञाकारी बनना। वयस वो बुद्धिमान व्यक्ति का जैसा होएगा जो पत्थर के ऊपर घर को बांधा। वयस बुद्धिमान व्यक्ति, वो ज्ञान, वो बहुत बुद्धिमान है, वो किसके पीछे भागेगी नहीं। बुद्धिमान बोलेगा तो अगर डाल्टन बुश का जैसा कोई भी व्यक्ति आ गया और अपने आप को दिखाया, मेरे पास प्रकाशन है, मेरे को सुनो, और सबला सबका स्टाइल क्या है मालूम है, और डाल्टन बुश एक नंबर वन आदमी है, उनका पास अभी रेवलेशन है, उनका पास बाई लैमर्ट की किताब है, और बाई लैमर्ट मरने के पहले डाल्टन बुश को बुला के फुसफुस करके बात किया, हाँ फुसफुस करके बात किया, फुसफुस करके बोला उसके साथ, और डॉक्टर मुझ बोलते हैं मैं किसी को भी नहीं बताएगा। मेरा प्यारा भाई बहनों, भाई लैमट किसका बारे किसका खान में जाके पीस पीस बात के हमको वो नहीं चाहिए। भाई लैमट अगर किसी को बोला अरे तू मैं जाने के बाद तू ये वो व्यक्ति, हमको वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए जो मैसेज क्या बोलता है, जो मैसेज क्या रेवलेशन है, जो मैसेज के अंदर क्या रेवलेशन है। हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, आमेन। कैन यू से आमेन? क्या भाई ब्रैनम भी बोला? भाई ब्रैनम भी जो बात किया, मेरा बेटा जोसेफ एक नबी बनेंगे बोला, क्या हम उसको नबी करके मानेगा? हाँ, क्या हम उसको नबी करके माने के वो रेवलेशन हमको मिला हुआ, हमको मालूम नहीं है। नबी कुछ भी बोल सकता है, हमको नबी का मतलब नहीं है। बराबर सुने इधर, हमको नबी का मतलब नहीं है, हमको मतलब है एनॉइंटेड वर्ड का, एनॉइंटेड मैसेज का, एनॉइंटेड क्राइस्ट का। कैन यू से आमेन? Would you please give the praise offering? Praise be the name of the Lord. Amen. Amen. Oh yes. Amen. Praise be the name of the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Oh yes. Praise the Lord. Parameshwar ke naam ki dhanyavaad. Koi bhi manushya aake bolega, meharbani karke ek baat ko bolte, koi kisi ka khatte hoge to brother ko phone karke batana. हाँ, कोई भी ऐसे बोलेगा, कोई मनुष्य आके बोलेगा मेरे पास हो, आज कितना लोग किस किस का पीछे भाग रहे हैं, हाँ मेरे पास वो मतलब ही नहीं। पीटर किसके पीछे भागा? हालांकि पीटर किसके पीछे भागा? और यीशु मसीह आके उसको पीटर को बोला, देखो ऐसा ऐसा बोलो, अगर ऐसा बोलेगा तो उसको ऊपर में गर्भवती नहीं, अपना परमेश्वर अलौकिक रूप से सुपर नेचुरली सुपर एनॉइंटिंग के द्वारा उसको बताया। वयस लोग ऐसा बात सुन के बहुत फेर बहनों बहुत लोग बरमाए गए, हाँ बहुत लोग डाल्टन बुश के पीछे भागता है। डाल्टन बुश के पीछे भागना भी नहीं है, मेरा पीछे भी भागो मत, किसी का पीछे भागो मत। ये रेवलेशन के लिए परमेश्वर से मांगो, जैसा हेबेल को रेवलेशन मिला, हेबेल किसके पीछे भी भागे नहीं। पहला माँ को पूछा हेबेल, और माँ बोली एप्पल खाया मैंने करके, और आदम को भी पूछा, आदम एक बहुत बड़ा नबी था, तभी पहला नबी था, नबी को भी जाके पूछा, आदम भी क्या बोला, हो सकता है तेरा माँ एप्पल खाया होएगा करके, मगर उसको तृप्त नहीं हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ किधर न किधर है, वो ढूंढने को शुरू किया। ऐसा हम लोग भी खोजना चाहिए, खोजो खोजो खोजो, ऐसा खोजने में परमेश्वर आके उसको बताया ये एप्पल भी नहीं है, कौन सा भी फल नहीं है, ये खून का मतलब है, द ब्लड द खून। आमेन। वो रेवलेशन को हेबेल ने पाया, वो रेवलेशन को हेबेल ने पाया। कौन दिया उसको? उसका आत्मिक पिताजी उसको दे दिया। ओ यस, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। हाँ, इस चट्टान के ऊपर मैं मेरा घर को बांधेगा, मेरा कलिशा को बांधेगा, नरक का कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकता है। ऑल राइट, वयस ये जो मैसेज है बिल्डिंग ऑन द रॉक 1970 बाई लैमर्ट का, इसी मैसेज से मैंने, क्योंकि मैं अपना कोई भी बातों को नहीं डालूंगा मैं, हाँ आप सोचो मत मैं मेरा बातों को डालेगा करके, मेरा बात नहीं है ये, बाई लैमर्ट का मैसेज से मैं निकाला,
ऑल राइट, इसलिए मैं एक बात डायरेक्ट बोलता है, वैसे अभी वो बुड्ढा हो गया डॉक्टर ब्रूस, अभी कोई ना कोई बोला वो प्रचार किया, वैसे अमेरिका हमको बालमीन हमको मांगते नहीं, वो प्रचार करे ना करे, वो बिना दांत का साफ है, वो बिना दांत का साफ है, वो कुछ भी करे हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए मैसेज, हमको चाहिए सुपर एनॉइंटिंग। वैसे देखो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद बोलता है, दो भाई लोग, हाँ जितेंद्र ब्रदर, जितेंद्र ब्रदर नवीन, दोनों भी ऐसी डॉक्टर मुस का चाय भाई ज्वाला तो पहले छोड़ दिया, उसको छोड़ दो, ये दोनों भी था, मगर ये लोग क्या, वो लोग के पीछे भागा, वो लोग को मालूम पड़ गया जिस दिन से ये रेवलेशन को सुना, अरे वो लोग बोलते हैं ये बहुत जबरदस्त से बोलता है, क्यों बोलता है, वो मेरे को नहीं तारीफ करता है, वो मेरे को नहीं ऊंचा उठाता है, वो मैसेज को ऊंचा उठाता है, वो रेवलेशन को ऊंचा उठाता है, वो मैसेज के पीछे खड़ा है और बोलता है हमारा घर सब खानदान हमारा सब संतान अच्छा हो गया बोलता है। ऑल राइट, अभी सुनो इधर, गॉड कैन नेवर ट्रस्ट नोबडी टिल दे कैन गेट द रेवलेशन। प्रभु किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता है तब तक वो प्रकाशन को नहीं पाएगा, बराबर है, तब तक वो प्रकाशन को नहीं पाएगा, परमेश्वर किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता है। वैसे परमेश्वर आप कितना भी बड़ा वैसे चिन्ह और चमत्कार करो, वैसे आप आपके अंदर बहुत अभिषेक भी हो सकता है, बहुत पावर भी हो सकता है, बराबर है, मगर तब तक आपको रेवलेशन नहीं मिला, ये इसका मतलब बिना रेवलेशन से आपको कुछ पावर मिला, वैसे वैसे, मगर जो सामर्थ्य जो पावर है आपको रेवलेशन के ऊपर मिलता है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो अथॉरिटी है। ऑल राइट, कोई भी सेवक है वो फील्ड में है, ये सब मिनिस्टर लोगों को देखो, ये सब यूट्यूब में आप सेवक लोगों को देखो कैसा नाचता है, कैसा बंदर का जैसा, वैसे सब लोग आउटसाइड ऑफ दिस रेवलेशन, ये रेवलेशन का भार सभी लोगों का आप माफ के देखो, ये डाल्टन ब्रूस से लेके बहुत लोग है, मैं खाली डाल्टन ब्रूस को नहीं बोलता है, और भी लोग है, विन दयालन है, वैसे कैनेडी मैड्रे भी है, हा और जॉर्ज रटन, थियो ओविड और टॉनी रीगन और कितना बड़ा टेली इवेंजलिस्ट लोग, टेली इवेंजलिस्ट लोग ब्रदर ब्रैनम का मैसेज में, टेली इवेंजलिस्ट ये लोग कौन है, ब्रदर ब्रैनम का मैसेज का टेली इवेंजलिस्ट लोग है, जैसा डिनोमिनेशन में टेली इवेंजलिस्ट लोग था बिली ग्राम, ऑरल रॉबर्ट, एएलएन, वैसे ही वो लोग मेरा फिर खाली यीशु मसीह का नाम बोलता था, ये लोग ब्रैनम के नाम बोल के टेली इवेंजलिस्ट बन गया, और दूसरे शब्द में टेली स्टार लोग, वैसे टेली स्टार टेलीविजन का स्टार लोग ये लोग, वैसे जैसा हॉलीवुड का स्टार लोग है वैसा ये लोग भी टेलीविजन का स्टार लोग है, वैसे अच्छा ड्रामा करता है, अच्छा एक्टिंग करता है, ये लोग का बस बिल्कुल रेवलेशन नहीं है। मैं 10 सही तलाट का द्वारा बोलता है बिल्कुल ये लोग के पास रेवलेशन नहीं है, बिल्कुल ये लोग हम जो प्रचार करते हैं वैसा प्रचार नहीं कर सकते, मेरा चैलेंज है। वैसे ऑल राइट, हाँ बायलामेट बोल, दे डोंट हैव एनी रेवलेशन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, वो लोग के पास कुछ भी प्रकाशन नहीं है, हाँ इसलिए आप सोच सकते हैं परमेश्वर वो लोग को बिल्कुल अथॉरिटी नहीं दिया, परमेश्वर वो लोग को अथॉरिटी नहीं दिया, वो लोग परमेश्वर का अथॉरिटी में नहीं करता है। ऑल राइट, वो लोग कभी भी प्रभु के पास नहीं आ गया, वो लोग के पास बिल्कुल पावर नहीं है, वो लोग परमेश्वर दे में हैव पावर, वो लोग के पास कुछ सामर्थ्य हो सकता है मगर परमेश्वर के पास कभी भी नहीं आए, मगर वो लोग एक दिन आएगा, वैसे दे विल कम एन आवर व्हेन ही विल टेक अवे व्हाट दे मे सीम टू हैव पावर, वो लोग के पास कुछ सामर्थ्य है, दे मे सीम टू हैव अथॉरिटी, कुछ ना कुछ दे मे सीम टू हैव द एनॉइंटिंग, वैसे वो लोग अभिषेक बट देर विल राइज ए रियल पावर, आमेन, एक रियल पावर उठेगा, रियल पावर किधर से उठेगा, वो रियल पावर ये असली सामर्थ्य किधर से उठेगा,
न्यूज सेवन परमेश्वर का घर से वो इस कौन है वो घर हम ही लोग जिस रेवलेशन के ऊपर प्रभु ने घर को बांधा वैस परमेश्वर ने जो रेवलेशन के ऊपर घर को बांधा और वही घर के अंदर से सामर्थ्य निकलेगा कैन यू सेवन ये जो सामर्थ्य उसी घर के अंदर से निकलेगा रियल पावर रियल एनॉइंटिंग बाय द रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड सच्चा सामर्थ्य सच्चा अभिषेक प्रकटित हुआ वचन के द्वारा हाँ और ये जो सामर्थ्य है ये जो पावर है ये सब पावर है ऐसी लोगों को हटा देगा वो लोग वैसे ऐसी नौटंकी करने वाले को जो बोलते हैं हमारे पास सामर्थ्य है आपको मालूम है ये सब यूट्यूब में वो लोग क्या दावा करते हैं हमारे पास वो सामर्थ्य है हमारे साथ वो पावर है वैसे क्योंकि बहुत सैमंदा क्योंकि जादू ठोने का सैमन आपको मालूम है जादू ठोना सैमन वो भी एक बार आया पत्रुस के पास तभी रियल पावर आ गया तभी जादू ठोने के सैमन आके पूछा पैसा देते हमको दे मगर वो क्या बोला तेरा पैसा और तू नाश हो जाओ बोला वो भी ऐसी पावर को दिखाता था वैसे वो लोग कौन है वो लोग परमेश्वर का दुश्मन लोग है वैसे परमेश्वर का दुश्मन लोग है वो लोग वैसे इसलिए बराबर सुनो एक समय आता है बराबर सुनो एक समय आता है वैसे परमेश्वर का सामर्थ्य दुल्हन के अंदर से प्रदर्शन हो जाएगा परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर का पूरा सामर्थ्य दुल्हन के अंदर से डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा वैसे वो लोग को खिलाएगा वो वैसे तभी वो लोग नम्रता हो जाएगा और वो लोग नहीं रहेगा क्योंकि वो लोग का दुल्हन के अंदर बोलने में होने वाला ताकत है बोलने में होने वाला क्रिएटिव पावर सृष्टि करने वाला वैस सृष्टि करने वाला ताकत है क्योंकि सृष्टि कौन करता है खाली परमेश्वर कर सकता है सृष्टि करने का सामर्थ्य खाली परमेश्वर ये लोग के पास वो सामर्थ्य नहीं ये लोग के पास पूरा मेंढक आत्मा है अशुद्ध आत्मा है वैसे मगर ये ऐसा नहीं है सृष्टि करने वाला वैसे हाँ ये लोग भाई ब्रानम का चंगाई का जो चीजों को देखे उसको डुप्लीकेट करता है नकली करता है मगर इधर कुछ ना कुछ अभी दृश्य में आने वाला है बराबर सुनो इधर अभी कुछ ना कुछ दृश्य में आने वाला है हाँ उसको कोई भी नकली नहीं कर सकता है मेरा प्यारे भाई बहनों परमेश्वर का असली चीज परमेश्वर का असली प्रदर्शन परमेश्वर का असली डेमोन्स्ट्रेशन को कोई भी नकली नहीं कर सकता है कैन यू से मैन इवन भाई ब्रैनम का जो छंगे के लोग नकली किया मगर जो भाई ब्रैनम ने कर दिया वैसा नहीं कर सकता था वो लोग खाली न क्योंकि वो भाई ब्रैनम का दो खिंचाव को इधर एक दिनाकरण करके था वो भाई ब्रैनम का दो खींचो को अच्छे से नकली किया वो ये और बड़ा बड़ा सभा में जाके बोल रहा था मगर अभी जो होने वाला अभी जो सुपर एनॉइंटिंग महान अभिषेक अभी आने वाला है दुल्हन के अंदर से ये प्रदर्शन होने वाला है ऑलराइट वो सारा दुनिया का अटेंशन सारा दुनिया का आकर्षित करेगा सारा दुनिया को हिलाएगा वैस ऑलराइट वो बट ब्रदर वो कभी कभी क्या होता है कभी दूल्हा खुद हो रहा है इधर दूल्हा खुद दिखाई देते हैं वो दूल्हा का दोस्त को वो लोग फेस किया वैस दे ऑलराइट नहीं दे एंड फेसिंग द फ्रेंड ऑफ द ब्राइडग्रूम दूल्हा का जो दोस्त को वो लोग देखो दूल्हा का दोस्त का उन्हें भाई ब्रैनम उनको वो लोग फेस नहीं कर सकता था उसका वो सामना नहीं कर सकता था वो यस मगर अभी देखो बराबर सुनो तभी दूल्हा का दोस्त आ गया दूल्हा का दोस्त का जो काम होने के समय में वो लोग उनका सामना नहीं कर सका वो भाई ब्रैनम था मगर अभी इधर कुल्ला दुला रहा है दूल्हा खुल्ला इधर दिखाई देता है खुल्ला दूल्हा का प्रदर्शन हो रहा है तभी कैसा हो जाएगा तभी वो दूल्हा का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते वो लोग ऑलराइट हाँ
वैसे अभी इधर वो भाई ब्रानम का जो गला को लेके खामने कर गला बोलेगा तो वो गल खाट जो आवाज का फेटी उसको लेके खामने करता है हाँ मगर वो किसका वोकल कॉर्ड को लेता है दुल्हन का ध्वनि का पेटी को लेके काम करता है ऑलराइट हाँ वो अभी क्या बोलते हैं अभी वो ऐसा नहीं बोलेगा अभी बोलेगा ये जो बात करते हैं वो यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ये मनुष्य नहीं है वो यस अभी मेरे को सुनो आई एम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं जो है प्रभु यीशु मसीह मेरे को नम्र हो जाओ बोलेगा वो डायरेक्ट आवाज अनकोट इसका मतलब तभी का जो समय में जो आने वाला घड़ी में आने वाला समय में खुद दूल्हा बात करेगा वो यस Praise be the name of the Lord. क्योंकि दूल्हा और दुल्हन एक हो जाएगा हा हा ये भाई ब्रानम का समय नहीं रहेगा भाई ब्रानम का समय में भाई ब्रानम का जो ध्वनि पेटी को लेके बात किया भाई ब्रानम का आवाज से बात किया मगर अभी ऐसा नहीं है वो दूल्हा दूल्हा खुद दुल्हन के अंदर से खुद बात करेगा I am Lord Jesus Christ. हा Praise be the name of the Lord. All right. हाँ अभी क्या बोलेगा देखो मेरा सेवक विलियम ब्रैनम का जो मैसेज टोकन के बारे में तुम लोग खाली सुना मगर तुम लोग उसको ठुकराया इनकार किया टर्न डाउन किया हाँ अभी इधर क्या कर रहा है हाँ तुम लोग नकली करने वाला तुम लोग झूठा नबी लोग वैस कभी वो लोग क्या बोलेगा मालूम है ये लोग क्या बोलेगा हम बहुत यूट्यूब खोला हम बहुत YouTube में भाई ब्रैनम का नाम लिया हम बहुत YouTube में भाई ब्रैनम जैसा बोला वैसा बोला हम लोग हाँ हम इवन भाई ब्रैनम के साथ हंटिंग में गया हम भाई ब्रैनम को देखा सब कुछ बोलेगा वो यस ऑल राइट प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड और वो क्या बोलेगा तभी मेरे को छोड़ के भाग जाओ तुम लोग Depart from here, workers of other me log. मेरे को छोड़ के भागो हाँ मैं तुम लोग को जानता नहीं है मगर वो लोग बोलेगा लॉर्ड मैं आपका मीटिंग में हम लोग बैठा था आपका प्रेजेंस में हम लोग बैठा था मगर प्रभु बोलेगा भागो इधर से वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी बोलेगा तो अदर भी लोग इधर से भागो हाँ आप लोगों को मालूम था यीशु मसीह के नाम का बापतिस्म सही करके मगर तुम लोग नहीं किया आप लोगों को मालूम था स्त्री लोग अपना बालों को काटना नहीं करके मगर तुम लोग काटा अभी हाँ तुम लोग झूठा नबी लोग गेट आउट ऑफ हियर इधर से भागो बोलेगा ओ यस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है ऑल राइट ये मैंने सन ऑफ मैन एंड द लिटिल ग्रुप उससे निकाला Son of Man and the Little Book book और 1971 और वो परमेश्वर अपना दुल्हन को लेके महान सामर्थ्य से भर देगा परमेश्वर अपना दुल्हन को महान सामर्थ्य से भर देगा वैसे प्रभु का नबी बोला देयर विल कम सच एन आउटपोरिंग इधर सुनो परमेश्वर का नबी क्या बोला देयर इज कम सच ए आउटपोरिंग बहुत भयंकर बहुत जबरदस्त आउटपोरिंग ऑफ द होली गोस्ट परमेश्वर का पवित्रात्मा का बारिश आ जाएगा आखिरी के दिन में जो छोटा दुल्हन वो छोटा दुल्हन को लेके और खबर को भी खोल के मुर्दा को उठाएगा कैन यू से मैन जैसा तरीके का आउटपोरिंग ऑफ द होली गोस्ट आ जाएगा कैन यू से मैन वो यस किधर भी ऐसी तरीका में मेरा प्यारा बायर पेनो जबरदस्त पवित्रात्मा का बापतिस्म आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट हाँ हाउ विलियम ब्रैनम दूल्हा का दोस्त था मगर वो दूल्हा नहीं था वो दूल्हा का दोस्त था किधर भी हम लोग बाइबल में देख सकता है विलियम ब्रैनम वापस कब्र में उठ के आके ये सब दुल्हन का काम है
दुल्हन के लिए परमेश्वर ने ऐसी अलौकिक और महान अभिषेक को रखा है। ये सब दुल्हन का मिनिस्ट्री है। वैसे भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री खत्म हो गया। भाई ब्रैनम दुनिया को छोड़ के निकल, क्योंकि वो दूल्हा का दोस्त है। अभी दूल्हा खुद आ रहा है। किधर आ रहा है दूल्हा? दुल्हन के अंदर आ रहा है दूल्हा। वैसे दूल्हा और दुल्हन एक हो रहा है। कैन यू से आमेन? माय गॉड, अभी 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 हमारा समय ही है। कैन यू से आमेन? ये सब विधर्मी लोगों का आवाज है मेरे प्यारे भाई बहन। वयस हाँ, ओ प्रभु यीशु मसीह आएगा और हर एक परमेश्वर के बच्चे लोगों को वयस हर एक परमेश्वर के बच्चे लोग के लिए मरा। खाली भाई ब्रैनम के लिए नहीं मरा, हर एक प्रभु के बच्चे लोग के लिए मरा। ऑलराइट अभी बाइबल बोलता है द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम आउट देयर। आत्मा और दुल्हन बोलते हैं आ जाओ। क्या है वो? विद द ग्रेट पावर, महान सामर्थ्य के द्वारा, और ग्रेट अथॉरिटी, महान अथॉरिटी के द्वारा। हाँ, द ब्राइड दुल्हन, माइकल द आर्कएंजल, माइकल द आर्कएंजल, माइकल महाबली दूत और सेवकाई का दूत लोग, और महान सामर्थ्य पवित्र आत्मा का, अपोस्टोलिक वर्ड, अपोस्टलों के लोगों का वचन। ऑलराइट, ग्रेट डिस्प्ले ऑफ द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य का महान प्रदर्शन हो जाएगा। ओएस कैन यू सेवन? कितना महान मिनिस्ट्री है, कितना महान सेवकाई है। कैन यू सेवन? माय गॉड, माय गॉड। ओएस ओएस दुनिया का सृष्टि से लेके अभी तक ऐसी काम नहीं हुआ। दुनिया का सृष्टि से लेके अभी तक ऐसी मिनिस्ट्री नहीं उठा, वैसा मिनिस्ट्री को परमेश्वर उठाएगा। सुनो इधर ब्रदर ब्रैनम, इसको ऐसी टाइप में दिया है। हाँ, कैसा वो बोला, कभी एक औरत को एक ड्रेस को तैयार करता है, उसका मटेरियल एक पीस को निकालता है, और वो मटेरियल जो जितना चाहिए उतना वस्त्र को बचा के बाकी को खाड़ के निकलता है सीजर में। वोएस वो पैटर्न है, दैट इज द ब्राइड। जो वस्त्र को जो स्त्री के लिए ड्रेस के लिए उसका वस्त्र के लिए किया वोएस उतना तक ब्राइड के लिए होएगा, बाकी का नहीं है। वोएस नोटिस द चर्च डज नॉट गो इन द रैप्चर द ब्राइड ड्रेस, कलिशे नहीं जाओ। ऑलराइट, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। ऑलराइट, द ब्राइड हैज गॉट ए मिनिस्ट्री, दुल्हन को एक सेवकाई है। बराबर सुनो, द ब्राइड गॉट हैज ए मिनिस्ट्री। ओएस द ब्राइड द पैटर्न ऑफ क्राइस्ट, ब्राइड बोलेगा दुल्हन बोलेगा तो बसी का जो पैटर्न है। ग्रेट डिस्प्ले ऑफ द पावर ऑफ गॉड, दुल्हन आखिरी में महान परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रदर्शन करेगी। ओएस इट शोस अप द डेविल फॉर व्हाट ही इज। ओएस वो डेविल उसके सामने, दैट डिस्प्ले ब्रिंग्स ऑल ऑफ देम पीपल आउट ऑफ द डिनोमिनेशन, ऐसी प्रदर्शन करेगी आखिरी में सारा संस्था के अंदर जितना लोग है, परमेश्वर का बच्चे लोग है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है, उसको सबको खींच के लेकर आएगा। कैन यू से आमेन? जो काम भाई ब्रैनम ने नहीं किया। आमेन। हाउ मेनी, कितना लोग विश्वास करते हो? अभी अभी आवेश में मत आ जाना, अभी इमोशन में मत आ जाना। ओएस अभी इमोशन मत करो, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ओएस प्रभु के नाम को धन्यवाद दे। आवेश में मत आना, अभी आवेश में होने वाला समय नहीं है। एक समय को प्रभु ने रखा है, उस समय में मेरा फेरबेर बहनों, उस समय में डिनोमिनेशन के अंदर, संस्था के अंदर जितना भी प्राण है, वो सब प्राण को परमेश्वर निकाल के लेकर आएगा। ओएस मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु का छापा होने मिलने का पहले। ओएस कुछ लोग पशु का छापा लेके बैठेगा, कुछ लोग बाहर आ जाएगा।
Yes, और जो लोग उधर बैठा है वो लेकर फायर में जाके गिरेगा, क्योंकि सच ए ग्रेट पावर, परमेश्वर का पावर वैसे सारा नरक का ताकत को हिलाएगा वो। वैसे वो लोग ऐसी बंदी खाना से, ऐसी प्रिजन से, ऐसी जेल से बाहर आएगा। वैसे ऑलराइट, वैसे अभी भाई लैम्बर्ट क्या बोलते हैं मालूम है? ब्रदर ब्रैनम वॉज गोइंग टू गेट टू दैट बट ही नेवर डिड। भाई ब्रैनम ऐसा नहीं किया, हाँ भाई ब्रैनम से नहीं हुआ वो। वी सी द स्पिरिट ऑफ मलाकी 4:5 सेज, हम बोलता है मलाकी 4:5 का आत्मा क्या बोला, कम सेज कम एंड ब्राइड इज गोइंग टू से कम। अभी मेरा प्यारा ब्रदर रेवलेशन चैप्टर आखिरी में क्या बोला, स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम, आत्मा और दुल्हन बोलेगा आ जाओ। आत्मा कौन है? भाई ब्रैनम के अंदर का आत्मा, भाई ब्रैनम के अंदर का आत्मा, दुल्हन के अंदर का आत्मा उधर जाके बोलेगा आ जाओ। किसको बोलेगा आ जाओ? जो डिनोमिनेशन के अंदर जो बैठे हैं सबको बोले, क्योंकि भाई ब्रैनम के अंदर भी वो सामर्थ्य था, दुल्हन के अंदर भी वही सामर्थ्य होने वाला है, उससे भी बढ़कर, उससे भी ज्यादा सामर्थ्य। भाई ब्रैनम बिना सामर्थ्य से आ जाओ करके बोले नहीं, भाई ब्रैनम परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर का आत्मा से बोला आ जाओ बाहर करके। वैसे ही दुल्हन भी उससे भी बढ़िया सामर्थ्य को लेके, उससे भी बढ़िया आत्मा को पाते हुए, उससे भी बढ़िया स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड को पाते हुए और सारा डिनोमिनेशन को बोलेगा आ जाओ। यस सर, हाँ हाँ, ऑल राइट। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। और ऐसा होने में ये मूर्ख कुंवारी का अंदर बीज को बोया जाएगा, मगर समय नहीं है। मूर्ख कुंवारी के अंदर भी बीज को बोया जाएगा, बीज को बोएगा तभी, तभी मूर्ख कुंवारी के अंदर भी बीज को बोएगा, मगर समय नहीं होने का वजह से मूर्ख कुंवारी मैच्योरिटी में नहीं आएगी। वो किधर जाएगी? ट्रिबुलेशन में, माँ संघर्ष के समय में जाके मर जाएगी, अपना जीवन को दे देगी और दूसरा पुनर्थान में आएगी। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ये महान डिस्प्ले, आत्मा का डिस्प्ले उधर हो जाएगा, महान आत्मा का डिस्प्ले, महान आत्मा का डिस्प्ले वहां पर हो जाएगा। ये डिस्प्ले मेरा फेर भर बहनों सारा दुनिया देखेगा और ये महान प्रदर्शन है पवित्र आत्मा का, सुपर एनॉइंटिंग, वह महान अभिषेक वहां पर हो जाएगा, सारा पृथ्वी उसको देखेगा। क्योंकि तभी दुल्हन अकेली नहीं है, दूल्हा और दुल्हन एक होता है, दूल्हा और दुल्हन, क्योंकि अभी हम देखते हैं, बराबर सुनो, दूल्हा का फ्रेंड, दूल्हा का दोस्त को ये लोग सामना किया, बराबर सुनो, दूल्हा का दोस्त कौन है? भाई ब्रैनम को सामना किया, मगर अभी दूल्हा खुद आता है वो लोग सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि दूल्हा बोलेगा आई एम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैंने जो है प्रभु यीशु मसीह है। वैस हट जाओ मेरा रास्ता से, वैस बहुत सेवक आई, बहुत सेवक लोग गिरेगा, झूठा नबी लोग गिरेगा, क्योंकि मेरा फेर भर बहनों ऐसी समय में महान महान अभिषेक, अभिषेक प्रदर्शन हो जाएगा, ग्रेट एनॉइंटिंग, सुपर पावर, वैस सुपर अभिषेक, वैस महान अभिषेक प्रदर्शन हो जाएगा। मेरा प्यारा भाई बहनों ये महान समय के लिए परमेश्वर हमको 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 कृपा देते हुए, हमको दया दिखाते हुए चलाना चाहिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, इस सुसमाचार के लिए आपको धन्यवाद है, आपने ये सुसमाचार को आपने हमारा तरफ लेकर आया, ये महान संदेश है प्रभु, धन्यवाद है। इस संदेश के द्वारा आपने हमारा समझ को खुलासा कर दिया, धन्यवाद है प्रभु। ये रेवलेशन के लिए आपको धन्यवाद है, ये रेवलेशन के अलावा आप हमको पहचानता नहीं है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। हाँ, आप हमको ये रेवलेशन को भेजा, ये रेवलेशन को दे दिया ताकि हम आपका शाश्वत घर हो जाए। परमेश्वर आपको धन्यवाद दे, ऐसी घर में आप रहने के लिए आशा करता है, ऐसी घर को आपने बनाएगा जो गर्भ घर के अंदर जबरदस्त सामर्थ्य, जबरदस्त आपका उपस्थिति, जबरदस्त आपका प्रेजेंस ऐसी घर के अंदर होने वाला है प्रभु। आपको धन्यवाद दे, ऐसी सामर्थ्य से हमको भर देना ताकि मेरा प्यारा परमेश्वर सारा दुनिया सारा पृथ्वी इस सामर्थ्य को देखना चाहिए। आपने सब प्रभु आपका दस लोगों को ये मैसेज
मैसेज को दे दिया और 10 लोगों से मैसेज हमारे पास आ गया। आज हमारा समय में प्रभु, हमारा समय में आपने ये महान बातों को हमको बताया, धन्यवाद है प्रभु। सारी बातों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर, और उतना नहीं हमारा जीवन में भी आपने ऐसी महान बातों को हमको बताया और हमारा हृदय के अंदर ऐसी खुशी को आपने दे दिया प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। ये खुशी हमारे हृदय से कभी भी ना जाए। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल करना, आमीन। अभी भाई मिनट इधर आके गाना गाएगा।